चंदन और आज आपका स्वागत करता हूँ मेरे पहले व्लॉग में। तो गाइस, आज मैं वन माह उत्सव के दिवस पर ही ये व्लॉग लेके आया हूँ। तो गाइस, आज हम विजिट करने वाले हैं एक नर्सरी को, तो चलिए आइए और विजिट करते हैं नर्सरी को, चलते हैं। खुशी मनाने के लिए आए हैं इस नर्सरी में और ये अंकल हमें बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पर, उनका टूर करेंगे। कैसे अंकल? बहुत बढ़िया। तो चलिए शेयर कर रहे हैं, तो लेट्स बिगिन। चिट्टी चांदी। अच्छा, चमेली निकाल के चांदी लगा दिया। और बताइए भैया, और कौन से पौधे आपके पास? और महात्मा है। क्या महात्मा? ये महात्मा है, इसको बोलते हैं स्वीटी सी महात्मा। स्वीटी सी महात्मा? अच्छा, स्वीट निकाल के स्वीटी लगा दो। स्वीट 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 आई लगा दो स्वीटी। ये पोलिकस है और उधर हार सिंगा लगा हुआ है। हार सिंगा? सिंघा देखी हुई है? हार सिंगा है, सिंघा। और वो क्रिसमस ट्री है। अच्छा, क्रिसमस वाला भी है। चलो क्रिसमस ट्री देखते हैं कौन सा। ये क्रिसमस है। ओके, मुझे लगा था क्रिसमस ट्री होते नहीं है, पर ये कोई चमत्कार निकला। धोती फाड़ के रुमाल निकला। ये क्रिसमस है। कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। ये कौन सा है? ये क्रिसमस है, फिनिश फॉर्म है। खजूर बड़े हो के तो कपड़े भी तोड़ देंगे। कपड़े थोड़ी नहीं तोड़ने, जब ये बड़ा होगा तभी तो कपड़े तोड़ेगा। और ये इधर लीम है, अमरूद है, सेब है, इधर सेब है। ओके, ये 1 kg अमरूद है, इसमें पहिया पहिया ग्राम भी लगेगा। ओके, और ये साइप्रस है। ओके, दूसरे साइड चले। हाँ, दूसरे साइड चलो, चलते हैं। और ये तुलसी है। तुलसी, ये सबसे बढ़िया तुलसी होती है, इसकी पत्तियाँ भी खाई जाती है। नींबू का है? नींबू भी है। हाँ, नींबू है। क्या आपके दूसरे साइड नंबर और नमक है? नींबू और नमक, ये अचार वाला नींबू है। ओके, ये एलोवेरा है, इसको एलोवेरा बोलते हैं। एलोवेरा फेस वॉश। सही है, इससे एलोवेरा का फेस वॉश बनता होगा। इसको कहते हैं सागर, इसको सागर भी बोलते हैं, जल भी आदि बोलते हैं। सागर, ये कौन सा सागर होता है? ये सेसोफिस। सेसोफिस वो बड़े वाले हैं क्या? ये टिकोटिया पाम है, इसको धूप हो या छांव जैसे मर्जी हो चलता नहीं रहता। ओके, ये धूप में भी और छांव में भी चलता। ओके, और एक और वो बड़े वाले ट्रीज वो पीछे हैं, ये पार्कों में लगाने वाला पांडा पेड़। पांडा पेड़, पांडा पेड़ कैसे उसको बोलते हैं, ये पार्कों में लगाया जाता है। अच्छा, फिर पांडा कहाँ है? यहाँ पर तो पांडा दिख रहे ही नहीं। पांडा थोड़ी नहीं, ये तो बेटा पांडा पाइकस है। फिर ये गया
इसको बोलते हैं बेम्बू पाम। ये बेम्बू है, एक होता है बेम्बू लक्की बेम्बू, ये बेम्बू पाम है, एक होता है लक्की बेम्बू। ये लक्की बेम्बू खाने से लग बढ़ जाता होगा और पे अंडा खाते होंगे लक्की बेम्बू। और ये है चाइना पम्प, इसको कहते हैं चाइना पम्प। चाइना पम्प फिर किन लगा तो पीछे पम्पकिन बन गया। चाइना पम्प किन, चाइना पम्प। और अब आगे चले वहां पर ये और वो सेम पर ये है धागा पम्प, इसमें धागे निकलते हैं। धागे मतलब सुई धागे वाले, ये पम्प ही ऐसा है। पाम ही अच्छा होगा, अच्छा क्या होता है। और दूसरी साइड चले, दूसरी साइड आ जाओ, देखते हैं। और ये क्या है, ये क्या है, इसको कहते हैं करोटन। ये करोटा करोटन, इसको खाली करो। करोटन के पीछे रोड लगा दो, रोड बन गया। और ये है बर्मा करोटन, इसकी पत्तियां मुड़ी रहती हैं बर्मी की जैसी। अच्छा, जो भी बोलते हैं बर्मा करोटन। अच्छा, अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर। और ये है बेंगलोरी करोटन, ये भी करोटन है। सारे ये भी करोटन है, ये बेंगलोरी करोटन, इसकी डिजाइनदार पत्तियां निकलती हैं। कोई वो है आपके पास बांबू? ये इसको बोलते हैं जैस्मीन, इसके फूल में स्मेल बहुत रहती है। जैस्मीन सुन के तो नाम रह, सुनने तो नाम लग रहा है फूल के नाम पे, जैस्मीन इसमें स्मेल बहुत होती है। अच्छा, और शेयर भी कर दी ना अभी तक नहीं किया तो अगली साइड आते हैं। और ये फ्लावर जोरा, इसको जोरा कहते हैं। जोरा ये धूप में चलता है। जोरा, जोरा के पीछे अगर लगा दो डोरा, फिर आगे लगा दो मोन, डोरेमोन। अगर आप भी डोर हो देखते रहे इसका नाम है लोलीना। हाय लड़कियों के नाम, ये इसका जो है ये मोटा होता है, मोटा होता है तो इसमें तो प्याज जैसे मोटे चीजें होती हैं। हाँ गंडे जैसा ही होता है। आप पकड़ पकड़ के पूछो ना मुझसे नाम, आप मैं बताऊंगा नाम पूछो मेरे से। इसको बोलते हैं स्नोफ इंडिया, ये स्नोफ इंडिया अलग है। और वैसे उठा उठा के नाम पूछो ना, बाद में हाथ धो लेना। ये स्नोफ इंडिया है। अच्छा, ये भी, ये हरी स्नोफ इंडिया। हरी तो फिर तो वो तो फरी होगी, फरी फरी। हाँ तो ये ज्यादा हरी भरी सब्जियाँ खानी खाई है। और आगे चलो दूसरी साइड। ये आपने नर्सरी नाम क्यों रखा? मुझे तो लगता है नर्सरी क्लास होगी। अगर आपने नर्सरी किया तो हिट सब्सक्राइब। अभी आगे दूसरे दूसरे तक चलो। जान 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 जान। बी 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 बी। पौड़ी रोड़ी सिंह। ये तो मुझे पेड़ लग रहे हैं। इनको डोड़ी मार के गिरा दिया, छोटा कर दिया। इसको बोलते हैं विद्या पढ़ाई। क्या? विद्या कितने संस्कृत के नाम है इसमें? इसके दो नाम है, एक इसको बोलते हैं मोर पंखड़ी और इसको विद्या पढ़ाई भी बोलते हैं। दो नाम ओके। और वो आगे वाला मुझको बहुत पसंद आ गया, मुझे ये वाला जानना है वो पीछे बड़े बड़े पत्ते वाला कौन सा है। ये इसको बोलते हैं डाइफ। क्या? इसको बोलते हैं डाइफ, इसको छा चाहिए चलने के लिए। ओके, चलता है। टाइसन तो नाम हुआ है किसी का, टाइसन को नाम मैंने सीखा। ये यूनिवर्स, यूनिवर्स इसको बोलते हैं यूनिवर्स। ये अगर धूम में रहेगा सुनहरा कलर आ जाना, अगर छा में रहेगा तो ग्रीन ही रहेगा। ओके, ऐसा नहीं कभी होगा। इसको बोलते हैं लैला मुनि। बारी थोड़ी नहीं है, इसको बोलते हैं लैला मजनू। इसके लैला मजनू है, ये तो नारियल का पेड़ है।
नारियल नहीं है, इसको लैला मजनू बोलते हैं। पर नारियल उड़ के हुए उड़ते ये वो है कौन सा है एक तरह तो पड़ो लाइट वेट है जी शायद ये है बढ़िया अच्छा बूटा इसको बेंगलोरी करोटन नंबर एक रहा बेंगलोरी करोटन ये आपको पता है ये है मेहंदी का बूटा ये मेहंदी वाला है अच्छा जानते इसको नहीं इस वजह से मेहंदी उगती है मेहंदी के पैकेट उगते हैं हाँ मेहंदी के ये हाथ पर अच्छा ये क्या होता है और सबसे बढ़िया बूटा है ये पाम मेरे वो चुपता है नहीं चुपता इसको कहते हैं कंघी पाम इनको निकाल के ये कभी नहीं खराब होते हैं सफेदा है ये इसको सफेदा बोलते हैं सफेदा नहीं मुझे ये बर्ड बूट लग रही है बर्ड बूट लग रही है और ये है किन्नू किरा बूटा किन्नू किरा अगले बार लगे थे किन्नू इसके बाल लगते ही टूट गए इसके लगते ही ये एक आदि लिंबू 12 मास इसमें फल आते हैं क्या आपके कोई भी लिंबू और ना अंकल के लिए एक सब्सक्राइब तो बन गई ये है फूल इसको कहते हैं बोन याद होते इसको कहते हैं बोन ये ऑक्सीजन भी देता है भैया ऑक्सीजन बहुत बढ़िया होता है और इसको कहते हैं बोतल पान बोतल पान हाँ इसके ये बोतल के जैसा होता है थल्ले मोटा होता है उतो पतला होता है वो अच्छा मतलब इसके नीचे वाले हिस्से में खेत से जो बोतल है ना उसमें भर लो पानी और इधर सारे फल वाले ये कोसका है ये क्या है ये इसको बोलते हैं फोस्टल पाम इसके रहा छोटा सा है ये रहा छोटा सा हमारे साथ आइए अंशु भैया पगड़ी वाली पामों में सबसे खूबसूरती इसी की होती है पामे ये है घास गद्दे वाली जैसा सोफा होता है ना गद्दा होता है ना ऐसे ही घास होती है घास को तो गद्दे में डाल लो बिल्कुल गद्दे जैसा होता है जैसा गद्दा वैसे ही ये बिल्कुल गद्दे से तो ऐसे गद्दे जैसी है बोली बोली मैं देख रहा हूं मैं पैर ये भी बना हुआ नहीं है सही से जब बनेगा बिल्कुल गद्दे जैसा हो जाएगा यूपी में इसको गेंदी बोलते हैं जापानी जापानीज ये फुल गेंदवा जो बोलते हैं ना गेंदवा ये गेंदा अपने यहाँ गेंदी इसको बोलते हैं गेंदा अलग होता है यहाँ पे जापानी ये क्या ये वही बोलता है एक लाइन इसको मैं तो आज से जैसे एक नाम की रखूंगा कंडे कांडा सतवर्ग भी बोलते हैं शायद सतवर्ग इसमें वैरायटीयां 5-6 वैरायटीयां हैं इतना बड़ा ये मौसम्बी मौसम्बी इसको बोलते हैं मौसम्बी ये लकड़ी भी है मेरे क्या अच्छा मौसम्बी ओए पानी खड्डी खड्डन गया थी कटके जाती मौसम्बी ये था ये सेहत के लिए बढ़िया रहती है जो बनाओ उसी राज्य में पी सकती है और ये मौसम्बी है सेहत के लिए चंगी डबल ये कौन सी डाली है ये सब्जी जिसकी सब्जी बनती है अच्छा ये क्या है ये फ्लावर कैसा है अंशु ब्रो जल्दी से अच्छा बोल दो अभी पहुंच रहे हैं सबसे में इसको बोलते हैं चीकू चीकू इसमें भी कुछ चीकू मेरे डॉग में कुत्ते का नाम है चीकू क्या यार चीकू का रक्त ही होता है पता नहीं क्या लगता है कटहल इसमें कटहल लगते
ये सबसे लास्ट का इसके राम चलता है। जब सारे आम जड़ जाते हैं तो इसके राम चलता है। चल भी सकते हो मेरी मिट्टी भी खराब होगी बातों बाद में। चलो थक्कड़ है थक्कड़ है थक्कड़ थक्कड़ है। ये किन्नो का बूटा है, किन्नो भी लगी है इसमें। किन्नो खिला कल्लू का ये बूटा। और ये कौन से बड़े बड़े पत्ते? ये इसको बोलते रामा तोरी। ये सब्जी सब्जी हरी हरी सब्जियाँ। ये दसाड़ियाँ, इसमें कुछ अभी दो तीन आम लगे हुए हैं। कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं पर लगा नहीं रहे। परी अंकल उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको लगा रहे हैं, उनको पानी भी दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस आप भी अपने घर पे अगर कुछ पौधे हैं तो उनका बहुत अच्छे अच्छे ध्यान रखिएगा। आपको माह उत्सव की बहुत बधाइयाँ। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। तो इन अंकल से इनकी एड्रेस और नाम पूछ लेते हैं। आपका एड्रेस और नाम क्या है? मेरा नाम है मुकेश, एड्रेस है प्लथ बाएं दे लगे रोल प्लस सामने नडाले अड्डे पे, मेरी नर्सरी है। ठीक है, नर्सरी किरा नाम है, रोशनी चांदनी नर्सरी है मेरी। ते सबको महाउत्सव किरा धन्यवाद। हेलो बाय बाय। और आपको भी बहुत थैंक यू हमारे व्लॉग में आने के लिए। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।